मौजूद प्रज्ञान रोवर सभी मुश्किलों और बाधाओं को पार करते हुए चांद पर बढ़ता जा रहा है। लेटेस्ट खबर यह है कि प्रज्ञान रोवर ने चांद पर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। क्योंकि रोवर चांद पर मौजूद क्रेटर और गड्ढों को चकमा देकर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसरो की ताजा जानकारी के मुताबिक रोवर ने चांद पर मौजूद 4 मीटर डायमीटर के गड्ढे से खुद को बचा लिया है। ये गड्ढा रोवर से 3 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया। रोवर के नेविगेशन कैमरे ने इस गड्ढे की तस्वीर खींचकर रोवर में मौजूद मेमोरी में डाल दी। जैसे ही रोवर में मौजूद सॉफ्टवेयर को गड्ढे की जानकारी मिली, उसने अपना रास्ता बदल दिया। इस तरह रोवर बड़े गड्ढे में गिरने से बच गया और उसका मूवमेंट जारी रहा। रोवर में लगे नेविगेशन कैमरे ने उस बदले हुए रास्ते की तस्वीर भी खींची, जिस रास्ते पर जाकर रोवर ने खुद को गड्ढे में गिरने से बचाकर सुरक्षित आगे निकाल लिया। ये दूसरी बार है जब रोवर ने चांद पर मौजूद गड्ढे को मात दी है। इससे पहले प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर मौजूद एक छोटे गड्ढे का सामना किया और उसने चांद की सतह पर पहली बाधा को पार कर लिया है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर ने करीब 100 मिलीमीटर के क्रेटर यानी गड्ढे को क्रॉस किया है। रोवर अभी तक चांद की समतल सतह पर ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसके सामने गड्ढा आया, उसने उसे भी बिना किसी समस्या और नुकसान के पार कर लिया। तरह से अभी सभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया दोनों रोवर पेलोड कार्यरत है अपना अपना डेटा कलेक्ट करने में। लेकिन प्रज्ञान रोवर को अभी कई चुनौतियों का सामना करना बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है। बल्कि यूं कहें कि शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचा था। उस दिन से लैंडर और रोवर लगातार धरती पर इसरो के कमांड सेंटर पर जानकारियां भेज रहे हैं और आखिरी भेजी जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे 10 सेंसर्स ने उस जगह का तापमान मापा जहां उसने लैंड किया था और जो जानकारी मिली वो हैरान करने वाली थी। चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान घटकर -10 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसमें अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो अंदर तक जमीन के अंदर जाके लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक वो जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि चांद की सतह पर भीषण गर्मी है, जबकि सतह के सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे बर्फीली कड़ाके की ठंडक है। चंद्रयान 3 को चांद पर उतरे 5 दिन बीत चुके हैं। चांद पर मौजूद कई जानकारियां उसने इसरो को भेजी हैं, लेकिन अभी भी उसे बहुत काम करना है और वक्त बहुत कम है, क्योंकि अब चांद पर उसके पास सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। चांद पर उसकी जिंदगी सिर्फ 14 दिनों की है। रेस अगेंस्ट टाइम उस तरह से है कि हम हमारा ये जो दौड़ लगा रहे हैं समय के खिलाफ, क्योंकि 10 दिन में हमको जितना हो सके उतना काम करना है। इसरो का कहना है कि प्रज्ञान रोवर फिलहाल उतनी दूरी तय नहीं कर पाया है जितना की उम्मीद की जा रही थी। अभी तक आपको पता ही है कि इसरो ने बताया कि 12 मीटर तक मूवमेंट हुई है रोवर की चंद्र की सतह पर, तो हमारा जो मूल उद्देश्य है कि 30 मीटर एक दिन में, और जो तो इसलिए बाकी के दिनों में हम 300-400 मीटर मूवमेंट कर पाए उसके लिए प्रयत्न जारी रहेंगे। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रज्ञान रोवर जितना ज्यादा चांद पर चलेगा उतनी ज्यादा जानकारियां मिलेंगी। 9 दिन बाद चांद पर रात शुरू हो जाएगी। चंद्रयान 3 के कामयाब मिशन के बाद अब तैयारी भारत के पहले सूर्य मिशन की है। भारत को सूर्ययान भेजने की जो तारीख है और वक्त है उसको तय कर दिया गया है और इसरो के मुताबिक 4 दिन बाद सूर्ययान आदित्य L1 सूरज के पास भेजा जाएगा। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 लॉन्च होगा। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 महीने का वक्त लगेगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन को इसरो के PSLV-XL रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या आदित्य L1 सूर्य तक जाएगा, क्योंकि सूरज का तापमान 5,500 सेल्सियस से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है। तो ऐसे में आदित्य L1 कैसे सूरज की गर्मी का सामना करेगा? इस सवाल का जवाब है कि आदित्य L1 ना तो किसी सतह तक जा रहा है और ना ही सूरज के पास जा रहा है। दरअसल आदित्य L1 L1 पॉइंट तक ही जाएगा।
L1 पॉइंट पृथ्वी और सूरज की कुल दूरी के बीच का हिस्सा है। L1 पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। L1 पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, इसलिए स्पेसक्राफ्ट यहां पर कक्षा में चक्कर लगा पाता है। आदित्य L1 मिशन का मकसद सूर्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना है। सोलर विंड से लेकर सोलर फ्लेयर्स तक के बारे में अहम जानकारियां मिल सकती हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि दुनिया में क्या कोई देश L1 पॉइंट तक पहुंचा है। इस पॉइंट पर अमेरिका, रूस और यूरोप ने पिछले 3 दशकों में कई मिशन कामयाबी के साथ भेजे हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त L1 पॉइंट पर सोहो नाम का सोलर स्पेसक्राफ्ट मौजूद है। सोहो स्पेसक्राफ्ट को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA ने मिलकर भेजा है। सोहो का पूरा नाम सोलर एंड हेलियोफेरेट ऑब्जर्वेटरी है। सोहो सोलर स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट के चारों तरफ पृथ्वी जितनी रफ्तार से चक्कर लगा रहा है, वो लगातार सूरज में होने वाली गतिविधियों को मॉनिटर कर रहा है। सोहो सोलर स्पेसक्राफ्ट अर्ली वार्निंग स्पेसक्राफ्ट भी है। ये सूरज से निकलने वाले खतरनाक और तूफानों की सूचना पृथ्वी पर भेजता है। सौर तूफानों से अंतरिक्ष में मौजूद संचार और नेविगेशन सैटेलाइट को नुकसान पहुंच सकता है। वक्त पर जानकारी मिलने सैटेलाइट को सौर तूफानों से सुरक्षित बचाया जाता है। सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर आज देशभर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। सावन के अंतिम सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने के लिए बीती रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित गौरी शंकर मंदिर में भी विशेष पूजा की गई। शिव शंकर का जलाभिषेक करने के लिए यहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। G20 समिट में आने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए उन देशों की सुरक्षा एजेंसियां भी भारत आने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6 और चीन की MSS भारत में अपना डेरा जमा चुकी है और भारतीय खुफिया एजेंसियों के संपर्क में हैं। नोएडा के सेक्टर 93 में बनाए गए ट्विन टावर को पिछले साल आज ही के दिन ध्वस्त किया गया था। जमीन पर जारी विवाद के बीच टावर के सामने के रास्ते को विजय पथ नाम दिया गया है। मुंबई में 31 अगस्त यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने वाले नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि उनका गठबंधन का संयोजक बनने का कोई इरादा नहीं है और वो सिर्फ सभी को एकजुट करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने दावा किया कि उनका काम सिर्फ विपक्ष को एक साथ लाना है। हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो सबको एकजुट करना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पर फैसला सभी पार्टियां मिलकर लेंगी। आगे जो बैठक होगा सब लोग अपनी बात को रखेंगे और निर्णय लेंगे, वो तो सभी लोगों का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा ना। इस बीच JDU नेता KC त्यागी ने दावा किया कि नीतीश विपक्ष को किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए एक साथ नहीं लाए। हमने किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए ये कार्य नहीं किया था, हम विपक्ष की एकता चाहते थे कुछ सवालों को लेकर के। हमारा BJP से विरोध है, असहमति है। नीतीश कुमार के इस दावे को BJP ने उनकी सियासी चाल करार दिया। साथ ही BJP नेताओं ने इस बात का दावा भी किया कि नीतीश कुमार का विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार करना उनकी सियासी रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन जो वो कहते हैं वो करते नहीं। नीतीश बाबू ऐसे कैरेक्टर के पॉलिटिशियन है जो कहते कि नहीं करते हैं वो पक्का करते हैं। वो मुख्यमंत्री बनना ही चाहते थे और आज उनका सपना है कि प्रधानमंत्री बने। BJP सांसद रामकृपाल यादव ने भी इसे नीतीश कुमार का सपना बताया। इंडिया हुकूमत के ये घमंडिया पार्टी के लोग हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार जी जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना रोज देख रहे हैं। कोई भी आदमी हसीन सपना देख सकता है, तो देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि 31 अगस्त को मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक से पहले मायावती से भी संपर्क किया गया, जिसमें मायावती ने विपक्षी गठबंधन के सामने UP में BSP के लिए 40 सीटों की मांग रखी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है।
इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणवाद पर सवाल उठाते हुए हिंदू धर्म को धोखा बता दिया। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म बतलाकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की साजिश की जा रही है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। इससे पहले हिंदू राष्ट्र को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया था। जैसे तब सियासत गर्मा गई थी, वैसे ही अब समाजवादी पार्टी के नेता के ताजा बयान के बाद बीजेपी और दूसरी पार्टियां मिलकर उन्हें घेर रही हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के पास कहने को कुछ बचा नहीं है। जो हिंदू धर्म के लोग हैं, ऐसे लोगों को जरूर समय आने पर जवाब दें। जिस प्रकार की बयानबाजी अब कर रहे हैं, जब सत्ता में थे तब कहां थे? हिंदू धर्म वाले बयान पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी SBSP ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। ब्राह्मणवाद की जड़ें इतनी गहरी थी तो फिर परशुराम की मूर्ति क्यों लगाने चले गए थे? ये समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी को बताने की जरूरत है। वहीं यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसी तरह के जहरीले बयान समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे। 3 सितंबर से बीजेपी मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। चुनावी साल में बीजेपी MP में एक बार फिर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह 3 सितंबर को चित्रकूट से हरी झंडी दिखाकर पहली यात्रा को रवाना करेंगे। INDIA गठबंधन की मुंबई बैठक से पहले शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने बड़ी जानकारी दी है। राउत ने कहा कि 31 अगस्त को गठबंधन के लोगों का अनावरण किया जाएगा। लोगों के अनावरण के दौरान गठबंधन के सभी नेता मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। सर्वे के बाद CM ने कासगंज और फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, जिसके बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही इलाके के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया था। कोटा की कोचिंग फैक्ट्री से एक बार फिर खुदकुशी की खबर आई है। 24 घंटे के अंदर कोटा में कोचिंग कर रहे 2 छात्रों ने खुदकुशी कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। और पहली घटना कोटा के विज्ञान नगर की है, जहां नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे आविष्कार नाम के छात्र ने हॉस्टल की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। खुदकुशी के लिए बिल्डिंग की छत पर जाते उसकी तस्वीर CCTV में रिकॉर्ड हो गई। रविवार शाम को आविष्कार कोचिंग इंस्टीट्यूट में वीकली टेस्ट पेपर देने पहुंचा था। टेस्ट खत्म होने के 5 मिनट पहले ही वो एग्जाम रूम से बाहर निकला और तेज कदमों से 6ठी मंजिल पर पहुंच गया। एग्जाम 300 ओवर होना था, 5 मिनट पहले क्लासरूम से निकला है, 6ठी मंजिल पर जाकर नीचे छलांग लगा ली। महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले आविष्कार की उम्र 16 साल 11 महीने थी। वो अपने नाना नानी के साथ तलवंडी इलाके में रह रहा था। आविष्कार की मौत के 6 घंटे बाद कोटा से एक और खुदकुशी की खबर आई। कुनहादी इलाके में 18 साल के छात्र आदर्श ने मौत को गले लगा लिया। खुदकुशी से कुछ देर पहले ही वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से वीकली टेस्ट देकर वापस लौटा था। और ऐसा माना जा रहा है कि कम नंबर आने के डर से उसने खुदकुशी कर ली। बिहार के रहने वाले आदर्श का शव कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। आदर्श अपनी बहन, भाई और चचेरे भाई के साथ कोचिंग कर रहा था। तीनों किराए के फ्लैट में रह रहे थे। लोग कोचिंग से आए, हम लोग खाना बनाए, पनीर का सब्जी बनाए, साथ में मिलकर बनाए तीनों लोग पनीर का, फिर खाए हम लोग खाना तीनों लोग साथ में, फिर अपना अपना रूम में चले। आदर्श की मौत के बाद अब उसके भाई बहन कोचिंग छोड़कर वापस बिहार लौट रहे हैं। बचपन पूरा उसके साथ ही गुजरा है, मेरे सामने हादसा हो गया, कैसे हम कर सकते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खुदकुशी के दोनों ही मामले में सुसाइड नोट नहीं मिले हैं। खुदकुशी करने वाले दोनों छात्र एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के थे। दोनों ही वीकली टेस्ट पेपर देने इंस्टीट्यूट पहुंचे थे और दोनों ने ही एग्जाम से लौटने के बाद खुदकुशी कर ली। और पुलिस की जांच में सामने आया है कि संडे के दिन उनका स्पेशल टेस्ट लिया गया था। उनका कहना यह था कि जो अति कमजोर बच्चे हैं, जिनका कि स्पेशल पहले क्लास लेकर के फिर टेस्ट लिया जाता है, वो संडे वाले दिन आउट किया गया था। बाकी लगभग 90% बच्चे उससे फ्री हैं।
कोटा प्रशासन का कहना है कि संडे को फंडे घोषित किया हुआ है, संडे को कोई भी टेस्ट नहीं लेने के भी आदेश दिए गए थे। संडे इज फंडे करके कार्यक्रम जो था वो आहुत चार जगह पे किया गया था, उसमें लाइव बैंड म्यूजिक का कार्यक्रम था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कल का दिन कि एक साथ दो बच्चों ने, एक महाराष्ट्र लातूर के और एक बिहार के रहने वाले थे, उनके द्वारा आत्महत्या की गई। खुदकुशी के ताजा मामलों से साफ है कि कोटा प्रशासन की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। कोटा में एक दिन में दो छात्रों की खुदकुशी के बाद कोटा के जिला कलेक्टर ने अगले दो महीने तक किसी भी तरह के टेस्ट या एग्जाम पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होने वाले वीकली और मंथली टेस्ट की वजह से छात्र तनाव में रहते हैं, उन्हें खराब परफॉर्मेंस का डर सताता रहता है। सोचोगे ज्यादा हो तभी स्ट्रेस बढ़ती, ज्यादा नहीं सोचोगे, आप अपना पढ़ाई करते रहो और रिजल्ट तो अपने आप आएगी। कोटा पुलिस ने एक स्टूडेंट सेल भी बनाया हुआ है, जिसमें नियमित बातचीत करने और छात्रों पर नजर रखने के लिए पुलिस के आला अधिकारी शामिल हैं। आप किसी भी प्रकार के अवसाद में हैं, हमसे संपर्क करें, हम आपके लोकल गार्जियन के जैसे हैं। इससे पहले कोटा प्रशासन ने हॉस्टल्स को आदेश दिया था कि वो कमरों में सीलिंग फैन टांगने के लिए स्प्रिंग लोडेड रॉड लगाएं, ताकि खुदकुशी की कोशिश को नाकाम किया जा सके। सरकार की नाक के नीचे सैकड़ों वैध अवैध कोचिंग संस्थान मशरूम की तरह कोटा में उगाए हैं। देश के कोने कोने से छात्र डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ख्वाब लेकर यहाँ हर साल आते हैं, जिसमें से चंद के ही सपने पूरे होते हैं, बाकी लौट जाते हैं या आविष्कार और आदर्श की तरह जिंदगी की रेस हार जाते हैं। एक कोचिंग वाले के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि जिसने आगे बढ़कर ये कहा कि मेरी आज आत्मा रो रही है, उससे पैसे इकट्ठे करने में लगे। सरकार की खुद की जांच के मुताबिक कोचिंग संस्थान छात्रों पर मानसिक दबाव बनाते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन एग्जाम लेते हैं, उससे बदतमीजी करते हैं, क्लास में मैंने पता कर लिया, उसको डिमोरलाइज करते हैं, तो पहले कोचिंग वालों का इलाज करेंगे। ये कोचिंग वालों को सीएम ने समझाया, जब मुख्यमंत्री के समझाने से नहीं समझ रहे तो कानून के डंडे से समझाएंगे। वहीं राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोबाइल और सोहबत को जिम्मेदार बता रहे हैं। रात दिन मोबाइल देखना, इससे लोगों में क्या है, नौजवानों में डिप्रेशन बढ़ रहा है, गंदी संगत छोड़ें। राजस्थान सरकार कह रही है कि अगर कोचिंग संस्थानों ने अपनी कार्यप्रणाली नहीं बदली तो सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। कोटा को हम क्यों सुसाइड फैक्ट्री कह रहे हैं, इसके पीछे है वो आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं कि कोटा में छात्र मानसिक तनाव की वजह से हर साल खुदकुशी कर रहे हैं, और साल 2023 में सबसे ज्यादा छात्रों ने खुदकुशी की है। इस साल अभी तक कोटा के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले 23 छात्र अपनी जान दे चुके हैं। इस साल सिर्फ अगस्त महीने में कोटा में 6 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। पिछले साल की बात करें तो 2022 में कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले 15 छात्रों ने आत्महत्या की थी। वहीं साल 2019 में 20 छात्रों ने, साल 2017 में 7 छात्रों ने मौत को गले लगाया था, वहीं साल 2015 में 18 छात्रों ने अपनी जान दी थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 2020 में खुदकुशी की कोई घटना सामने नहीं आई, क्योंकि उस साल कोरोना की वजह से कोचिंग संस्थान बंद थे। इसी तरह 2021 में भी एक बच्चे ने कोटा में खुदकुशी नहीं की, क्योंकि उस साल भी कोचिंग संस्थान बंद थे। यानी साफ है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा की वजह से बच्चे तनाव में रहते हैं। कोटा में कोचिंग कारोबार की बात करें तो ये सालाना 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। चीन में दाखिल होने के लिए यात्रियों को अब अपना कोरोना टेस्ट नहीं करवाना होगा। चीन सरकार ने कोरोना नियमों में बड़ी ढील देते हुए विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट की आवश्यकता खत्म कर दी है। चीन ने साल 2020 से ही विदेश यात्रियों की एंट्री के लिए टेस्टिंग की पाबंदी लगा रखी थी। चीन के हुबेई प्रांत में भारी बारिश के बाद एक बार फिर बाढ़ के हालात बन गए हैं। सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गई हैं, वहीं कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के 225 लड़ाकू विमान और 30 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका से मिले हिमार रॉकेट से भी हमला करने की कोशिश की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में आम चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है। जेलेंस्की ने कहा, अगर विधायकों की मंजूरी और जनता की सहमति हो तो युद्ध के दौरान मतदान करवाया जा सकता है। हरियाणा के नूह में भारी तनाव के बीच विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार समते कुछ साधु संतों के साथ ननड़ महादेव मंदिर पहुंचे और वहां जलाभिषेक किया। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, लिहाजा भारी सुरक्षा के बीच उन्हें मंदिर तक ले जाया गया। मंदिर पहुंचने से पहले आलोक कुमार ने बताया कि वो इस यात्रा को हर हाल में पूरा करेंगे। आलोक जी, यात्रा पूरी होगी
आज ही पूरी होगी यात्रा पूरी। अभी यहाँ से फिरोजपुर जिरका मंदिर जाएंगे और फिर श्रृंगार मंदिर जाएंगे। बताया गया कि मंदिर जाने के लिए सिर्फ 51 लोगों को ही इजाजत दी गई थी। 51 लोग बैठ के इसी रास्ते से नल्हड़ महादेव मंदिर गए हैं, जहां पर वो पुलिस सुरक्षा के साथ आगे पीछे उन चार बसों के पुलिस की गाड़ियां लगी हुई थी, पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ वो लोग मंदिर के अंदर गए हैं। वहीं पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि साधु संतों की इच्छा का सम्मान करने के लिए ये कदम उठाया गया। आलोक जी की इच्छा थी, उनके साथ में साधु संतों की इच्छा थी जलाभिषेक करने की, तो उनकी इच्छा का मान सम्मान रखते हुए आज उनको प्रशासन के द्वारा जलाभिषेक के लिए ले जाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि इस बार यात्रा के दौरान किसी भी तरह की हिंसा ना हो पाए। प्रशासन की तरफ से उन सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई जो मंदिर में जलाभिषेक करने गए थे, और इसके लिए मंदिर आने जाने के सभी रास्तों पर बैरिकेड लगाकर सुरक्षा बल को तैनात किया गया था, जिनके बीच से श्रद्धालुओं की बसों को निकाला गया। तस्वीर देख सकते हैं, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं जलाभिषेक के बाद। ये पहली बस जो है वो यहाँ से निकली है, आप तस्वीरें इस समय लगातार देख सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ से एक बस जो है उसको बाहर निकाला गया है। वहीं बीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी साधु संतों के साथ मंदिर में जलाभिषेक किया। आलोक कुमार ने इसे उनका धार्मिक हक बताया। विश्व हिंदू परिषद के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए यह हार और जीत का सवाल नहीं था। हम करके दिखाएंगे, हम नहीं करने देंगे, ऐसे प्रतिष्ठा पे हम नहीं खड़े थे। इस दौरान मंदिर में किसी भी बाहरी शख्स के जाने पर पूरी तरह से रोक कायम रही। अगस्त से शुरू हो रहे एशिया कप से पहले ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने के लिए चाइनीज बैटिंग ऐप एक्टिव हो गए हैं, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अब चेतावनी जारी की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चाइनीज बैटिंग और गेमिंग ऐप के बारे में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और उनको अपने प्लेटफॉर्म्स पर चाइनीज बैटिंग या गेमिंग ऐप के विज्ञापन न दिखाने के लिए कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जिन ऐप पर बैन लगा चुकी है वो बदले हुए डोमेन और मिलते जुलते नामों से फिर से एक्टिव हो गए हैं। वहीं CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले ऐप्स के बारे में जवाब मांगा है। CCPA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बैन किए जा चुके बैटिंग और गेमिंग ऐप को हटाएं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के गांव में जश्न का माहौल दिखा। नीरज के स्वर्णिम जीत का जश्न उनके परिवार के साथ साथ पूरे गांव वालों ने मनाया। जैसे ही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज का गोल्ड पक्का हुआ, हरियाणा में उनके गांव में जश्न शुरू हो गया। पानीपत के खंडरा गांव में नीरज का परिवार और गांव के लोग एक साथ टीवी पर मुकाबला देख रहे थे। नीरज की जीत के बाद गांव वालों ने लड्डू बांटकर और एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया। नीरज के पिता ने कहा कि ये पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वो अब हिंदुस्तान का बेटा है, खाली हम उस पर अपना आंख नहीं जता सकते, वो देश के लिए परफॉर्म करता है। वहीं नीरज की माँ ने कहा कि बेटे के वापस आने के बाद हम जश्न मनाएंगे। बड़ी खुशी की बात है जी, मनाओगे, आवेगा दिन। नीरज के पिता ने कहा कि वो 2024 के ओलंपिक के बाद बेटे की शादी के बारे में विचार करेंगे। भारत का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें उत्कृष्टता का उदाहरण बताया है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि नीरज चोपड़ा की प्रतिबद्धता, जुनून और जज्बा उन्हें सिर्फ एथलेटिक्स में ही नहीं बल्कि समूचे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। हर जगह नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, ये बहुत बड़ी उपलब्धि एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत की है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने उम्मीद जताई कि युवा वर्ग नीरज चोपड़ा से प्रेरणा लेंगे। उनके परिवार के सदस्यों को
उनके जो कोच हैं जो उनको खेल सिखाते हैं, और सभी खेल समर्थकों को मैं बधाई देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने सफलता का नया मानदंड स्थापित किया है। नू इंसा को लेकर आज हरियाणा विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज कांग्रेस ने नूह हिंसा पर चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने चर्चा से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने नूह हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही। मुजफ्फरपुर थप्पड़ कांड में अब तक टीचर की गिरफ्तारी न होने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है। योगी सरकार को घेरते हुए ओवैसी ने कहा कि बच्चों के मन में जहर भरा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 5 से बढ़कर 9 हो गई है। घटना के बाद आज फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आज नगर निगम की जमीन से कब्जा हटाया गया। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 30 सालों से लोग यहां घर बना अवैध तरीके से रह रहे थे। एक बहुत पुरानी कहावत है, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। इस कहावत को एक बार फिर सच साबित कर दिखाया दिल्ली एम्स के 5 डॉक्टर्स की टीम ने, जिन्होंने जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़ रहे एक प्लेन में 2 साल की एक बच्ची की जान बचा ली। रविवार देर शाम विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट ने बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 2 साल की एक बांग्लादेशी बच्ची भी सवार थी, जो दिल की एक जन्मजात बीमारी से पीड़ित थी। बच्ची को जो बीमारी थी उसे काइनेटिक हार्ट डिजीज कहा जाता है। इसके मरीज के शरीर और खून में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा घटने से मरीज का शरीर नीला पड़ने लगता है और तुरंत इलाज नहीं मिलने पर मरीज की जान भी जा सकती है। हमने बच्चे को देखा था, बच्चा पूरा नीला था, ब्लू चाइल्ड, सो मेडिकल टर्म में हम साइनोटिक बच्चा बोलते हैं। ही वाज कंप्लीटली साइनोस्ड एंड ही डिड नॉट, ही वाज नॉट ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले रहा था और उसकी कहीं भी धड़कन नहीं मिल रही थी और कोई पल्स नहीं थी। 21 दिन पहले बेंगलुरु में बच्ची की सर्जरी भी हुई थी, जिसके बाद उसके माता पिता उसे लेकर दिल्ली जा रहे थे। बेंगलुरु से उड़ान भरने के करीब आधे घंटे बाद जब प्लेन हजारों फीट ऊपर आसमान में था, तभी फ्लाइट में सवार बच्ची की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। देखते ही देखते उसका शरीर नीला पड़ गया और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बच्ची की हालत देख उसके माता पिता घबरा गए। शी वाज लाइंग अनकॉन्शियस एंड बच्चे की जो मदर थी शी वाज क्राइंग एंड इन डिस्ट्रेस। केबिन क्रू ने अनाउंसमेंट कर पूछा कि क्या प्लेन में कोई डॉक्टर है। फ्लाइट के चढ़ते ही आधे घंटे पे एक डिस्ट्रेस कॉल आता है, तो अनाउंसमेंट की जाती है कि अगर कोई फ्लाइट पे कोई डॉक्टर्स ऑन बोर्ड है तो कृपया रिस्पॉन्ड करें। तो ये देखते हुए हमने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। प्लेन में एक नहीं बल्कि 5 डॉक्टर थे, जो दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर हैं। बच्ची की हालत देख प्लेन में सवार एम्स के 5 डॉक्टर वहां पहुंचे, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल थे। इनमें डॉक्टर नवदीप कौर, डॉक्टर दमनदीप सिंह, डॉक्टर ऋषभ जैन, डॉक्टर ओइशिका और डॉक्टर अविचल तक्षक शामिल थे। प्लेन में बच्ची का इलाज करने वाली इस टीम को डॉक्टर नवदीप कौर लीड कर रही थी। इस टीम में विमान में मौजूद मेडिकल किट की मदद से बच्ची का इलाज शुरू किया। हालांकि उड़ते प्लेन में बेहद कम संसाधनों के साथ बच्ची का इलाज करना आसान नहीं था, लेकिन डॉक्टरों ने मिशन मोड में इलाज शुरू कर दिया और प्लेन की सीट के साथ लगी खाने की ट्रे को ऑपरेशन टेबल की तरह इस्तेमाल किया और बच्ची को उस पर लिटा दिया। बच्ची ना तो सांस ले पा रही थी और ना ही उसकी पल्स चल रही थी, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने बच्ची को पहले CPR दिया, साथ ही IV कैन्यूला लगाकर उसके जरिए दवा दी। तो फाइंडिंग अ कैनुला वाज अ बिग चैलेंज इन द एरोप्लेन, बट लकीली दे हैड अ फर्स्ट एड किट बॉक्स। प्लेन में कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं था, ऐसे में डॉक्टरों ने इमरजेंसी के लिए प्लेन में लगाए गए ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किया और उसे ब्लेड से काट कर उसके जरिए बच्ची को ऑक्सीजन देना शुरू किया। जैसे कि जो एयरलाइन में ऑक्सीजन मास्क मिलता है, तो जो कि बहुत ही बेसिक सा प्लास्टिक मास्क होता है, तो उसको हमने कैलिब्रेट करके थोड़ा मोड़ के बच्चे के फेस पे लगाया, उसकी सील इंश्योर की एंड ऑक्सीजन देना शुरू किया। तमाम मुश्किलों के बीच 5 डॉक्टर बच्ची के इलाज में जुटे हुए थे, तभी 2 साल की मासूम को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आते ही 2 साल की बच्ची की हालत और नाजुक हो गई। वहीं इलाज में जुटे डॉक्टर्स के पास बच्ची के इलाज के लिए पूरे उपकरण और दवाइयां नहीं थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि बच्ची को हर हाल में बचाना है। हार्ट अटैक आने के बाद डॉक्टरों ने बच्ची के शरीर में AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर लगाया। AED एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल दिल की धड़कनों को वापस लाने के लिए किया जाता है। ये डिवाइस दिल की हालत को देखते हुए उसे बिजली का झटका देती है, ताकि उसकी धड़कनें वापस आ सके।
जमीन से ऊपर आसमान में उड़ते विमान में एम्स के पांचों डॉक्टर 45 मिनट तक मौत को हराने में जुटे रहे और आखिरकार उनकी लगन और हौसले के आगे यमराज ने भी हार मान ली। बच्चे की धड़कनें लौट आईं और उसने एक बार फिर सांस लेना शुरू कर दिया। इट रियली इंप्रूव्ड द ऑक्सीजन सप्लाई टू द चाइल्ड, तो बच्चे को सफिशिएंट हवा मिलने लगी और ऐसा हम सपोर्ट करते रहे और थोड़ी देर में हमें लगा कि बच्चे का पल्स आ रहा है और बच्चे का कलर भी इम्प्रूव हो रहा है, चाइल्ड इज टर्निंग पिंक। इसके बाद प्लेन की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जहां एक एम्बुलेंस की मदद से बच्ची को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। G20 समिट के दौरान दिल्ली में अभेद सुरक्षा चक्र बनाने का प्लान तैयार किया गया है। इस दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो इसके लिए दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। इससे पहले G20 समिट में आने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए उनके देशों की सुरक्षा एजेंसियां भी भारत आने लगी हैं। आने वाले दिनों में US की CIA और उसके साथ ही ब्रिटेन की MI6 और उसके साथ ही चाइना की MSS जैसी एजेंसियां की जो टीमें हैं वो भारत आ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक IB और रॉ में एक खास डेस्क बनाया गया है जो CIA, MI6 और MSS जैसी एजेंसियों से लगातार संपर्क में है। दिल्ली के जिन होटलों में G20 देश के राष्ट्राध्यक्ष रुकेंगे उन होटलों की सुरक्षा के साथ साथ कार्यक्रम स्थल तक आने जाने वाले सभी रास्तों की जानकारियां भी उन देशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ शेयर की जा रही हैं। G20 समिट के दौरान आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा एजेंसियों की चप्पे चप्पे पर नजर होगी। आंतरिक घेरे की सुरक्षा की कमान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के हाथों में होगी। जानकारी के मुताबिक NSG की एक दर्जन से ज्यादा टीमों को G20 वेन्यू के पास तैनात किया जा रहा है। दिल्ली की ऊंची इमारतों पर NSG कमांडो और सेना के स्नाइपर्स तैनात होंगे। आकाश मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार आसमान में चक्कर लगाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स में सेना और NSG के कमांडोज हर वक्त मौजूद रहेंगे। ड्रोन हमले के खतरे को देखते हुए NSG कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस की स्वैट टीम के साथ अर्धसैनिक बलों की क्विक रिएक्शन टीम को दिल्ली के उन होटल्स के आसपास तैनात किया जा रहा है जहां विदेशी मेहमान रुकेंगे। 2 दर्जन से ज्यादा होटल्स की कमान अर्धसैनिक बलों के जवान समेत करीब 1600 सुरक्षाकर्मी संभालेंगे। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 सम्मेलन की सारी तैयारियां अपने फाइनल स्टेज में हैं। दुनिया भर से आने वाले VVIP मेहमानों के लिए देश के अलग अलग शहरों से लग्जरी गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक 8 से 10 सितंबर के दौरान दुनिया भर के नेताओं और उनके स्टाफ के आने जाने के लिए करीब 500 लग्जरी कारों की जरूरत पड़ेगी। लग्जरी गाड़ियों की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए कैब कंपनियां दूसरे शहरों से गाड़ियां मंगवा रही हैं ताकि मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो। G20 देशों के नेताओं की जरूरत के मुताबिक रोल्स रॉयस, मेबैक, BMW, मर्सिडीज, ऑडी और जगुआर कंपनी की लग्जरी गाड़ियों की डिमांड ज्यादा है। कई कैब कंपनियां चंडीगढ़, आगरा, जयपुर और मुंबई से लग्जरी गाड़ियों को मंगवा रही हैं ताकि विदेशी मेहमानों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। लग्जरी गाड़ियों के अलावा दुनिया भर से आने वाले नेताओं के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की भी डिमांड बढ़ गई है। शेयर बाजार में आज मामूली तेजी देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 110 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ, वहीं निफ्टी में 40 पॉइंट्स का उछाल देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज 19 सितंबर को जियो एयर फाइबर लॉन्च करेगी। एयर फाइबर की मदद से ग्राहकों को घरों में बिना केबल लगाए हाई स्पीड 5G इंटरनेट कनेक्शन मिल सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज सुबह दिल्ली के एम्स कैंपस में साइकिलिंग करते हुए हालातों का जायजा लेते नजर आए। इस दौरान उनके साथ कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं रही।